हेलो एवरीवन। तो डियर, आज हम आपके लिए जेई का हमारा जो अगला गुरु नीति का वीडियो है, जो कि कोलिजन और रोटेशनल मोशन फर्स्ट का है, वो लेकर आए हैं। मायसेल्फ प्रमोद ढाका और मेरे साथ है हेमंत अग्रवाल। तो डियर, लास्ट वीडियोस तक हमने सेंटर ऑफ मास और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कंप्लीटली डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम कोलिजन और रोटेशनल मोशन फर्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। रोटेशनल मोशन फर्स्ट जो है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हमने इंक्लूड किए। So start करें सर। जी चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 1 में बोल रहा है दैट अ स्मॉल बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉप लैंडिंग ऑफ अ स्टेयरकेस, इट स्ट्राइक्स द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड द मिड पॉइंट ऑफ सेकंड स्टेप। द स्टेप्स आर स्मूथ एंड आइडेंटिकल इन हाइट एंड विड्थ। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द फर्स्ट स्टेप इज। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है कि कुछ इस टाइप की सिचुएशन है सर, एक बॉल यहां से रोल होती हुई आ रही है, लेट सपोज उसकी वेलोसिटी है यू, और फर्स्ट स्टेप पर ये मिड पॉइंट पर बाउंस करती है, और मिड पॉइंट पर बाउंस करने के बाद ये सेकंड स्टेप के भी मिड पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। तो ये बोल रहा है कि ये स्टेप्स आइडेंटिकल है, दैट मींस मैं कहूं कि ये वाली लेंथ यदि एल है, ये भी एल है, हाइट और विड्थ में भी आइडेंटिकल है और वैसे भी आइडेंटिकल है। तो फर्स्ट टाइम जब बॉल यहां कोलाइड करती है, उसके बाद जैसे मैं वेलोसिटी ये यू कहूं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास अभी भी यू रहेगी, लेकिन वर्टिकल यदि ये वीवाई से कोलाइड होता है, तो उस वीवाई की जो वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी रूट टू जी एल। तो जब ये वापस यहां से उठेगा, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी ई वी वाई, और ये बोल रहा है कि बॉल वापस इस वाले पॉइंट पर आकर स्ट्राइक कर। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल के वेलोसिटी से मूवमेंट को देखें, तो फर्स्ट टाइम में बॉल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एल बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और सेकंड टाइम में बॉल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, लेकिन आपने डिस्टेंस डबल कर दी, मतलब सेकंड टाइम में बॉल को जो टाइम यहां तक आने में लग रहा है वो फर्स्ट टाइम का डबल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी डबल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम से देते हैं, डिस्प्लेसमेंट डबल है, दैट मींस टाइम भी डबल है। तो अब यदि मैं यहां से यहां के मूवमेंट में बात करूं, तो बॉल जो है वो वाई डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में माइनस एल ट्रेवल करके आ गया यहां से यहां। तो यदि मैं इसको 0-0 कहूं, तो स्ट्राइकिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो एल गोमा माइनस एल, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस एल, इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज ई इनटू वी वाई, वी वाई इज अंडर रूट 2 जी एल। बिल्कुल, मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं सर, वाई इज इक्वल टू यू वाई इनटू टी माइनस में हाफ वी टी स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइम यदि अपन टाइम को टी बोल रहे हैं यहां से यहां आने में, तो सेकंड टाइम का टाइम होगा 2t, एंड दैट वैल्यू विल बी 2 इनटू टी माइनस हाफ जी इनटू में 2t का स्क्वायर। अब यदि मेरे को इस इक्वेशन में t की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाए, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, और t जो है वो फर्स्ट टाइम में बोल y डायरेक्शन में l डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो आई थिंक वी कैन से दैट t इज अंडर रूट 2l बाय जी। बिल्कुल, वैल्यू पुट कर दें सर, माइनस एल इज इक्वल टू ई इनटू में रूट टू जी एल इनटू में अंडर रूट टू एल बाई जी माइनस में हाफ जी इनटू में फोर स्क्वायर करते हैं, तो साथ में टू एल बाई जी। यदि अपन कैंसिल आउट करें, तो एक तो ये एल सब इक्वेशंस में से कैंसिल आउट हो गया, एक यहां से जी सही हो गया, एक इसका जी सही हो गया, दिस डाटा इज माइनस वन इज इक्वल टू This data is 4e. Here this data is 2 से 2 सही हो गया, minus 4. ये इधर गया, this value becomes 3. And this value is equals to 4e. So coefficient of restitution इस केस में मेरे पास आ रहा है, that value is 3/4. बहुत easy सा conceptual सा question। यदि इसमें ये मतलब कई बार क्या students इसमें ये identify करने की कोशिश करते हैं कि सर ये height कितना गया वापस। बिल्कुल, ये ऐसा equation height का भी है, बस इसमें time से वो question हो जाएगा। तो यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करें, देन सेकंड में भी करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बात करते हैं, ये एक पैराग्राफ क्वेश्चन है, 2, 3, और 4 इसी पर बेस्ड है। बिल्कुल, चलिए सर शुरू करें। एन इलास्टिक स्फीयर ऑफ मास m = 2 kg एंड रेडियस a = 20 cm
moving with velocity 4 meter per second strikes a rigid surface at an angle 45 degree to the normal. ठीक है, it skids while in contact with the surface. The ratio of the tangential frictional force to that of the normal is 1/2. The component of velocity perpendicular to the surface is reversed in the direction without change in magnitude, neglect rotation. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास मे बी इसको हम लोग थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं. बिल्कुल सर. मे बी हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और ये बॉल इस वॉल से आकर के कोलाइड करता है. ठीक है, कितने एंगल पे कोलाइड करेगा? 45 डिग्री पे कोलाइड करेगा. ठीक है, शायद ग्राउंड के साथ करवा रहा है सर, खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ बिल्कुल, कोई है ना वाली बात. ठीक है, तो मान लेते इस बॉल के साथ अगर ये कोलाइड कर रहा है, अगर ग्राउंड के साथ बनाना है तो हॉरिजॉन्टल बना लेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, मान लेते इसकी वेलोसिटी जो है वो यू के बराबर है. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये जो वॉल है, यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं कोलिजन में मोस्ट ऑफ द टाइम कि फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे. बिल्कुल, पर यहाँ पर फ्रिक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो जब ये यहाँ पर इससे कोलाइड कर रहा होगा, है ना, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, है ना, यहाँ मैं बताता हूँ, एट द टाइम ऑफ कोलिजन अगर मैं देखूं तो बॉल पर दो फोर्स लग रहा होगा, एक इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रेशियो है वो 1/2 के बराबर है, फ्रिक्शन और नॉर्मल का रेशियो. ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको हम नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2 कह देते हैं. एसेंशियली जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 के बराबर है, ठीक है ना, इसका ये कहने का मतलब है. ठीक है, और कोलिजन के बाद की अगर हम बात करें, है ना, कोलिजन के बाद की अगर हम बात करें तो बॉल किसी डायरेक्शन में जाएगी, तो बॉल की जो वेलोसिटी है ना, बॉल की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि वॉल के परपेंडिकुलर है वो रिवर्स हो जाता है बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए. तो इसकी वेलोसिटी का हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं, ये हो जाएगा यू डिवाइडेड बाय रूट टू, ये भी हो जाएगा यू डिवाइडेड बाय रूट टू. ठीक है, तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू डिवाइडेड बाय रूट टू. इसका मतलब क्या है कि ये इलास्टिक कोलिजन है. ठीक है, और एक काम हम ये करते हैं कि मोमेंटम में चेंज देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2mu बाय रूट टू, है ना, ये चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया. ठीक है, अब हम देखें अगर हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, है ना, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में देखें तो हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर लग रहा है. ठीक है, तो इस फोर्स के कारण जो इंपल्स होगा, लेट्स से चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो इंपल्स होगा ना ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एन डीटी के बराबर. बिल्कुल सही बात. ठीक है, लेट्स से अगर हम बात करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कितना होगा या इंपल्स वाई डायरेक्शन में कितना होगा, तो इंपल्स जो वाई डायरेक्शन में होगा ये हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय 2 इनटू डीटी के बराबर. और ये जो क्वांटिटी है ये इसको अगर हम सिंपलीफाई कर ले तो ये एम यू रूट टू के बराबर है. ठीक है, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आधा हो गया तो चेंज इन मोमेंटम भी आधा हो जाएगा. तो वाई डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम होगा ये हो जाएगा एम यू रूट टू डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी एम यू डिवाइडेड बाय रूट टू, एम यू डिवाइडेड बाय रूट टू. ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना था. y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जो था वो था m u डिवाइडेड बाय रूट टू, और जो मोमेंटम में चेंज है वो इतना है. बेसिकली आप समझो कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा. बिल्कुल सर. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा और जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है. अगर हम इसको वेक्टोरियली लिखना चाहे तो ये माइनस जे कैप में हो जाएगा और जो इंपल्स है वो प्लस जे कैप में हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम प्लस इंपल्स, और ये देखो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, है ना. तो अगर हम यहां पर फाइनल मोमेंटम लिखें तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम प्लस चेंज इन मोमेंटम, है ना, ये सब कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में. तो ये सब सॉल्व होकर के जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉल है इसकी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी. तो जो भी वेलोसिटी बचेगी वो सिर्फ एक्सट्रैक्शन बचेगी. ठीक है, अब एक बार हम लोग क्वेश्चन पे दोबारा एक बार आ जाएं. तो जो पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल विल द बॉल रीबाउंड टू द नॉर्मल. ठीक है,
तो अब सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो ये वाली वेलोसिटी तो जीरो हो गई, जो केवल x की वो सिर्फ x डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि वो नॉर्मल के पैरेलल है ना, तो नॉर्मल के साथ जीरो डिग्री बना के रिबाउंड होगा। बिल्कुल सर, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें ये पूछा है कि वो सरफेस से किस स्पीड विच इज द बॉल कैन रीबाउंड फ्रॉम सरफेस, मतलब सरफेस से किस स्पीड से रीबाउंड होगी। तो अपन इसी में डिस्कस कर लें सर इसको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई किस वेलोसिटी से वो रिबाउंड हो रही है, तो वाई में तो कुछ है ही नहीं, केवल एक्स में बच रहा है। और एक्स डायरेक्शन में जो बॉल की वेलोसिटी थी दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, तो एक्स डायरेक्शन में वी एक्स जो अपने पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है that value is u by root 2, that is 4 by root 2, बोले तो 4 root 2 meter per second। बिल्कुल, x में तो ये हो गया, और y में अपन ने अभी discuss किया है कि y direction में velocity आ रही है 0, तो final velocity जो आ रही है that is 2 root 2 along x axis, और तो final speed की यदि अपन बात करेंगे तो this value will be 2 root 2 meter per second। तो इसका जो correct answer अपने पास आ रहा है ये third one is the correct answer। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, अगला भी इसी से रिलेटेड है, उसमें केवल चेंजिंग मोमेंटम ऑफ द बॉल पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बॉल के मोमेंटम की बात करें, ठीक है, तो कोलिजन से पहले अगर हम लोग देखें तो बॉल की जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी 45 डिग्री पर, और कोलिजन के बाद अगर देखें तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 root 2 meter per second है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी 4 है, तो इसकी वेलोसिटी का हम लोग दो कंपोनेंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 root 2, और ये वाली वेलोसिटी भी हो जाएगी 2 root 2। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम है, यहां से चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को लिख लेते हैं, m टाइम्स m कॉमन आ जाएगा सभी में से, तो ये हो जाएगा 2 root 2 into i cap माइनस के साथ। बिल्कुल, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम में जो वेलोसिटी आ जाएगी वो हो जाएगी 2 root 2 into i cap, और ये 2 root 2 minus j cap, एक माइनस और आएगा तो प्लस, तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 root 2 j cap। ठीक है, तो ये आ जाएगा मास टाइम्स, ये हो जाएगा 4 root 2 i cap, तो माइनस माइनस 4 root 2 i cap प्लस 2 root 2 j cap प्लस 2 root 2 j cap। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, मैग्नीट्यूड अपने पास 4 root 10, आंसर जो है वो 4 root 10 आ जाएगा। बिल्कुल सर, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास स्मॉल m इज अ टेस्ट बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2l। The whole system lies on a smooth horizontal table with b initially at a distance small l from a. B is given a velocity u as shown in figure. Then just after the jerk, और jerk के बाद उसने va, vb और vb की velocity along ab और perpendicular to ab calculate करने की कोशिश की है। तो पहले अपन सब क्वेश्चन को समझे सर, तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि दो बॉल्स हैं और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जिस स्ट्रिंग की लेंथ है 2l। इनिशियली इनके बीच जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है l, स्ट्रिंग की लेंथ 2l, और बॉल को मैंने इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी इंपार्ट की है दैट इज u। तो स्टार्टिंग में ये बॉल तब तक मूव नहीं करेगी जब तक स्ट्रिंग टॉट नहीं हो जाती है, तो वो कंडीशन उस मोमेंट पर आएगी जस्ट बिफोर टॉट होने से पहले मैं बात कर रहा हूं। तो यहां मास m है, यहां मास m है, और इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u है जस्ट बिफोर। अब यदि मैं जस्ट आफ्टर की बात करता हूं, दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर, यदि मैं जस्ट आफ्टर बात करूं कि सर टाइट होने के जस्ट ठीक बाद क्या कंडीशन हो रही होगी, तो ठीक बाद ये जो बॉल के पास इनिशियली किस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, ये इस बॉल को स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी इंपार्ट कर सकता है। तो ये यदि इसको स्ट्रिंग के अलोंग एक वेलोसिटी इंपार्ट करता है, लेट सपोज दैट वेलोसिटी इज v, तो ऑब्वियसली इस वाली बॉल के पास भी इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी v ही होनी चाहिए, तभी आगे स्ट्रिंग टाइट रहेगी। और इस वाली बॉल के पास इनिशियली इधर वेलोसिटी थी, तो अपन ये वाली लेंथ है मेरे पास l, ये वाली लेंथ है 2l,
और ये वाला एंगल यदि मैं डिस्कस करूंगा तो ये cos 60 वाला 60 डिग्री आएगा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे इसके पास, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के थ्रू इस बॉल पर जो फोर्स लग रहा होगा वो बी ए पर फोर्स लगा रही होगी और ए बी पर, लेकिन अलोंग द स्ट्रिंग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग उसका कोई रोल ही नहीं। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग यदि ये वाला एंगल मेरा 60, दिस एंगल इज 30, तो इधर वाली जो वेलोसिटी है बॉल बी के पास u/2 u sin 30 दैट विल बी अनचेंज्ड, उसमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा। चेंज जो होगा वो केवल अलोंग द स्ट्रिंग होगा, और अलोंग द स्ट्रिंग भी यदि स्ट्रिंग फोर्स की बात करें तो दोनों का इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल तो कुछ है नहीं, मतलब इस सिस्टम का इस स्ट्रिंग के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो इसका लीनियर मोमेंटम स्ट्रिंग के अलोंग इनिशियल बात करें देन दैट मोमेंटम इज mu cos 30, दैट इज mu√3/2। आफ्टर दैट अलोंग द स्ट्रिंग बात करें देन दैट वैल्यू इज 2mv। तो v की जो वैल्यू मेरे पास यहां पर आ रही है दैट वैल्यू इज √3u/4, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग फाइनल वेलोसिटी ये होगी, और b के पास परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एक वेलोसिटी भी होगी यहां से 60 डिग्री पर, दैट इज u/2 जस्ट आफ्टर टाइट होने के बाद वो बात कर रहा है। तो v है तो अपने पास ये सही आ गया, लेकिन v भी तो दो चीजें हैं सर, ये भी है और ये भी है, तो √3u/4 v b वाला इनकरेक्ट है। अब वो बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ v b अलोंग a b, कि ए बी के अलोंग वीबी का जो कंपोनेंट है वो √3u/4 है, बिल्कुल सही है, तो थर्ड आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ में बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ वीबी परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी दैट इज ऑल्सो u/2। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन 1, 3 और 4 तीनों ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गए। चलिए सर ठीक है, बढ़ाए बात को आगे, अगले क्वेश्चन करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, अ सेकंड बॉडी ऑफ मास 10 kg मूव्स अलोंग वाई एक्सिस विद वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सिचुएशन हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास दो बॉडी है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। लेट्स से ये वाली बॉडी जो है ये 5 kg की है ना, और जो दूसरी वाली बॉडी है ये 10 kg, ये 10 kg की है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है ये लेट से इस डायरेक्शन में है 2 meter per second और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है √3 meter per second। ठीक है, √3 meter per second। ठीक है, they collide at origin and sticks together, calculate the final velocity of the combined mass after collision. ठीक है, the heat liberated. तो हमें ये बताना है कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो कुछ न कुछ जो एनर्जी का लॉस हुआ होगा वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हुआ होगा, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद ये 10 kg 5 kg मिला करके ये 15 kg बन गया होगा और इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ वी रही होगी। ठीक है, तो मे बी हम लोग यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोलिजन में तो मोमेंटम कंजर्व कर ही लेते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग लिखेंगे तो वैसे मैं देखो ना हो जाएगा कोलिजन के क्वेश्चंस में। हाँ, बच्चे बहुत दफा ना फॉर्मूलाज मेमोराइज करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी ना, लेट्स से 15 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 i cap प्लस 2/√3j cap है ना, 2/√3j cap। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस 4/3 इसका स्क्वायर रूट कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 meter per second। ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया। अब अगर हम इस पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट अगर एक और हम लोग देख ले तो एनर्जी लॉस पूछ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी लॉस भी होगी वो हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये जो होगा ना ये लॉस के बराबर रहा होगा। ठीक है, तो यहां अगर हम लोग लॉस लिखना चाहें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 into 5
इंटू टू स्क्वायर प्लस वन बाय टू इंटू टेन इंटू रूट थ्री स्क्वायर इंटू रूट थ्री स्क्वायर माइनस, तो फाइनल एनर्जी होगी ये हो जाएगी वन बाय टू इंटू फिफ्टीन इंटू फोर बाय थ्री स्क्वायर, फोर बाय थ्री स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 35 बाय 3 तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 35 बाय 3 जूल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये सेकंड पार्ट बिल्कुल सर, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये एक ऑब्लिक कोलिजन का बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। इसमें जो अपन दो बात कर रहे थे ना सर, कि एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक ई के लिए इक्वेशन, एक ही लिए ई के लिए इक्वेशन। तो चलिए सर, क्वेश्चन में बोल रहा है दैट अ बॉल विद इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद टू अदर आइडेंटिकल बॉल्स हुज सेंटर्स आर ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच आर इनिशियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर। All the three balls are lying on a smooth horizontal table. The first ball is aimed directly at the contact point of the other two balls. All the balls are smooth. Find the velocities of three balls after the collision. ये collision के बाद इन तीनों balls की velocity अपने को calculate करके बतलानी है। तो बहुत simple ही, यदि अपन सबसे पहले बात करें question की कि ये एक ball है, इस direction में आ रही है और इसकी initial velocity है 10 meter per second। यहां पर अपने पास दो अदर बॉल्स रखी हुई है और दोनों आइडेंटिकल है और ये दोनों है रेस्ट में, तो हमने कहा कि यदि कॉलिजन के टाइम इनके सेंटर्स की मैं बात करूं ना सर, तो बिल्कुल इस टाइप से दिख रहे होंगे कि ये वाला जो सेपरेशन है इस बॉल का, ये डिस्टेंस आर, ये वाला जो सेपरेशन है ये भी आर, इन दोनों के सेंटर्स की इस हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेशन। और इन जब कॉलिजन हो रही होगी तो एट दैट टाइम ये वाली जो बॉल है वो कुछ इस टाइप से होगी, इस टाइप से होगी। तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच में यदि मैं सेपरेशन देखना चाहूं तो ये वाला सेपरेशन अपने पास होगा एंड दिस सेपरेशन विल बी 2r। दैट मींस ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। अब जो अपन जो दो बात कर रहे थे, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, कि भी पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मैंने कहा जस्ट आफ्टर कोलिजन फर्स्ट, मैं केवल बॉल्स के सेंटर्स को लेकर बात कर लेता हूं। फर्स्ट वाली बॉल के सेंटर के पास किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1। अब सेकंड वाली बॉल के लिए यदि अपन बात करें सर, तो फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल पर जिस डायरेक्शन में नॉर्मल अप्लाई कर रही होगी उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी। तो सेकंड वाली बॉल के पास इस डायरेक्शन में लेट सपोज v2 वेलोसिटी आती है, तो ये जो v2 होगी वो हॉरिजॉन्टल से ऑब्वियसली 30 डिग्री पर। सिमिलरली ये जो थर्ड वाली बॉल है इसके पास भी हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल पर सेम वेलोसिटी होगी। तो पहली चीज तो अपने को जो अप्लाई करनी है दैट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम है m इंटू 10 i कैप, और फाइनल लीनियर मोमेंटम की बात करें तो इन तीनों के लिए अपने को लिखना है दैट वैल्यू इज m v1 i कैप प्लस हॉरिजॉन्टल में इसका मोमेंटम होगा v2 cos 30, इसका भी v2 cos 30, इसका होगा वर्टिकल में v2 sin 30 और इसका होगा वर्टिकल में माइनस v2 sin 30 और वो कैंसिल हो गए, तो j cap तो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपन केवल i वाले की बात कर लें। तो दैट वैल्यू विल बी ट्वाइस m v2 cos 30 cos 30 i cap। तो एक तो अपने पास ये आ गया, तो ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई सर, बिल्कुल। अब यदि अपन सेकंड को लेकर बात करें तो सेकंड जो है अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन अपने को अप्लाई करनी है, और वो अप्लाई होती है जिस डायरेक्शन में दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा हूं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इनके पास लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 30 पर लग रहा है, बिल्कुल। तो इस डायरेक्शन में मैं पहले यदि ई की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपने पास होता है स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। तो स्पीड ऑफ सेपरेशन की यदि बात करें नॉर्मल वाली डायरेक्शन में, तो इसके पास वेलोसिटी है v2 इसी डायरेक्शन में, लेकिन v1 तो हॉरिजॉन्टल में अपन ने मानी है, तो इस डायरेक्शन में इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी v1 cos 30। तो ये डाटा अपने पास आया v2 माइनस v1 cos 30 दैट इज v1 रूट 3 बाय 2। अब यदि यहां पर मैं बात करूं ना सर, कि अपन ने एक्चुअली जैसे एक चीज की ओर बात करें कि ये वाली जो वेलोसिटी है बॉल की हमने केवल हॉरिजॉन्टल में ही क्यों ली, वर्टिकल में भी तो कोई कंपोनेंट हो सकता था। तो यदि इस इन दोनों के बीच कॉन्टेक्ट की बात करते हैं तो ये जो बॉल्स एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है सर, ये वाली बॉल इस पर इधर लगा रही होगी और ये वाली बॉल इस पर इधर लगा रही होगी,
तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो केवल हॉरिजॉन्टल में आएगा, वर्टिकल में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, इसलिए अपन ने इस वाली बॉल के पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ली है, वर्टिकल ली भी नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो नॉर्मल की डायरेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है, उस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 10 cos 30, दैट इज 5√3। और ये वाली बॉल तो इनिशियल रेस्ट में थी, दैट वैल्यू इज 0। और कोलिजन यदि इलास्टिक है तब द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आ रही है v2 माइनस v1 √3 बाय 2, दैट वैल्यू कम्स एज 5√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सर अब तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, v1 v2 सॉल्व करना है। यदि अपन दोनों इक्वेशन से जाएंगे तो v1 की वैल्यू आ रही है -2 और v2 की वैल्यू आ रही है 6.928 मीटर पर सेकंड। तो बात वहीं आगे गई सर कि यदि आपने दो चीजें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और e की डेफिनेशन किस डायरेक्शन में आपको लगानी है, ये दोनों चीजें सीख ली तो क्वेश्चन खत्म है अपना। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़े सर अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। बिल्कुल सर। अ स्फीयर ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी 4i कैप + 3j कैप - 5k कैप व्हेन इट हिट्स अ स्मूथ वॉल एंड रिबाउंड विद वेलोसिटी दिस, फाइंड द इंपल्स इट रिसीव्स, फाइंड आल्सो द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द स्फीयर एंड द वॉल। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ना, जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ये दे रखी है 4i कैप, ये देखिए 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी दे रखी है ये दे रखी है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब यहां पर हमें दो बात पूछी गई है, एक तो पूछा गया है कि इंपल्स कितना लगा होगा और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी होगी। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम लिखेंगे, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं, चेंज इन मोमेंटम अगर हम लोग लिखें तो चेंज इन मोमेंटम सिंपली हो जाएगा मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2i कैप है ना, माइनस j कैप एंड प्लस 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8k कैप, 8k कैप। ठीक है, और मास कितना दिया हुआ है, बॉडी का मास हमारे पास है, मास m ही है, मास m ही m के टर्म्स में। ठीक है, तो मास m है के टर्म्स में है तो फर्स्ट पार्ट का जो है, फर्स्ट पार्ट का ही आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का ही आंसर हो गया। देखिए ये सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बिल्कुल, तो सेकंड पार्ट में ध्यान दें, कोलिजन कैसे हुआ होगा, कोलिजन में बॉल ऐसे आया होगा, इस डायरेक्शन में इससे टकराया होगा और उसके बाद ये इस डायरेक्शन में रिबाउंड हो गया होगा। इस वेलोसिटी का हम लोग दो कंपोनेंट ले लेते हैं, इस वेलोसिटी का भी हम लोग दो कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, एक बात है कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये मान रहे हैं कि वॉल स्मूथ है। बिल्कुल सर, है ना, वॉल अगर स्मूथ है तो वेलोसिटी का बोला हुआ सर वाई कंपोनेंट स्मूथ बोला हुआ भी है। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है ये नहीं बदला होगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नहीं बदला होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग वाई कंपोनेंट कहें या फिर ये कहें कि अलोंग द वॉल जो हमारा कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदली होगी, उस डायरेक्शन में मोमेंटम भी नहीं बदला होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स जो है, इंपल्स कौन सी डायरेक्शन में आया होगा, ये आया होगा वॉल के नॉर्मल डायरेक्शन में। बिल्कुल, इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि वॉल से नॉर्मल का डायरेक्शन। बिल्कुल, है ना, बेसिकली मैं यहां से ये कह सकता हूं कि डेल्टा पी कैप जो वेक्टर होगा वो एन कैप के इक्वल होगा, वो एन कैप के इक्विवेलेंट होगा, है ना, जो वॉल के नॉर्मल के डायरेक्शन में। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें, लेट से अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल थीटा है ना, और ये वाला एंगल भी अगर हमारे पास थीटा है और ये वेलोसिटी u है और ये वेलोसिटी v है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और लेट से ये अल्फा है, थीटा नहीं है, ये अल्फा है, इसको दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, इसकी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, लेट से ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये हो जाएगा v cos अल्फा।
तो अगर coefficient of restitution अगर हम लिखना चाहते हैं तो coefficient of restitution क्या होगा? E जो होगा collision के बाद perpendicular direction की velocity, that is v cos alpha divided by u cos theta divided by u cos theta. ठीक है, अब समझें इस बात को. ये v cos alpha किसके बराबर होगा? v cos alpha जो होगा ये बराबर होगा u1, u1 वेक्टर u1 डॉट प्रोडक्ट विथ डेल्टा p कैप, है ना? क्योंकि इस वेक्टर का नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मुझे ये मिलेगा, और ऑब्वियसली इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ स्पीड चाहिए. बिल्कुल सर. इसी तरह से यदि हम लोग v cos alpha लिखना चाहें, सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया, ये आपका v2 होगा बस. हाँ, ये हमने उल्टा लिख दिया, ये नीचे आना चाहिए था. ये u cos theta को हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे v1 वेक्टर v1 डॉट प्रोडक्ट विथ डेल्टा p कैप, डेल्टा p कैप. और ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा लेट से v फाइनल डॉट प्रोडक्ट विथ विथ डेल्टा p कैप. इसका भी मॉड लिख लेंगे, इसका भी मॉड लिख लेंगे. अब डेल्टा p कैप को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा p वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड. यहां पे लिखेंगे डेल्टा p डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड. तो ये सॉल्व होकर के हो जाएगा v फाइनल डॉट प्रोडक्ट विथ डेल्टा p वेक्टर, और यहां हो जाएगा v इनिशियल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डेल्टा p वेक्टर, डेल्टा p कैप. तो ये डॉट करना है, इन दोनों का डॉट करना है. ठीक है, तो डेल्टा p हमें यहां से पता है और v इनिशियल पता है, v फाइनल पता है. इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e की वैल्यू आ जाएगी इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ डॉट करते हैं, और मास दोनों में आएगा तो मास कैंसिल हो जाएगा, मास की चिंता हमें नहीं करनी है. तो ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 2, प्लस में 24, देन प्लस में 24. ठीक है, और v इनिशियल वेक्टर का डेल्टा p से डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस का 3, माइनस का 3, एंड देन माइनस का 40. माइनस का 40. और ऑफ कोर्स हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड तो लेना ही है, मैग्नीट्यूड तो लेना ही है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये ऊपर आ जाएगा 18 और नीचे आ 51. नीचे आ जाएगा 51. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 17. 17. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 17. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल है. ठीक है, तो आइडिया यहां पर ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि चेंज इन मोमेंटम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, और चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल का डायरेक्शन देगा. बिल्कुल, है ना? और जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जब हम लोग नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें नॉर्मल कंपोनेंट मिल जाएगा और उसका रेशियो ले लेंगे. बिल्कुल सर. ठीक है, चलिए बढ़ाएं बात को आगे. बिल्कुल, चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. 9 में बोला दैट अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m एंड अ पैन ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ स्मूथ लाइट पोल s ऑन द फिगर. इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट. ओके, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m फॉल ऑन द पैन and sticks to it. If the particle strikes with the pen with a speed v, मतलब ये जो particle है, ये इस pen पर आ रहा है और v speed के साथ इस pen के साथ strike करके stick हो रहा है, तो कह रहा है which the system moves. Find out the velocity speed v. Find the speed with which the system moves just after the collision. कि collision के ठीक बाद system किस speed से move करेगा. तो I think बहुत आसान सा question है sir, कि हम इसमें केवल momentum देखना है अपने को, और momentum भी क्या कि बहुत ट्रिकी वे में करें ना सर इस क्वेश्चन को, कि ये मास m है, यहां पर अपने पास पेन है, इसका मास m है, यहां वाला पार्टिकल आ रहा है, इसका मास m है, v स्पीड के साथ आया, स्ट्राइक हुआ, तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन यदि इसके साथ स्टिक हो गया तो इस सिस्टम की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि लेट सपोज ये m मास u स्पीड से अपवर्ड मूव कर रहा है और ये पेन का मास कंबाइंड अप टू m हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी बराबर हो जाएगी, वो इक्वल होगी. बिल्कुल सही बात है सर. तो हम यदि यहां से सोचें मोमेंटम के बेसिस पर, तो इनिशियल मोमेंटम जो है इसका mu, और इसके मोमेंटम की यदि अपन बात करें तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 3mu. अब इसमें एक सिंपल सी ट्रिक मैं जो यूज करता हूं कि आप यदि इस पुली के बेसिस पर बात करो, तो यदि पुली के इस साइड को मोमेंटम को यदि आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, तो इधर वाले साइड में जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. तो इधर वाली डायरेक्शन में अपन डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, इसके लिए 2mu और इसके लिए वो हो जाएगा mu. तो यहां से जस्ट आफ्टर द कोलिजन की जो वेलोसिटी अपने पास आ रही है
दैट वेलोसिटी इज कमिंग एज वी बाई थ्री. तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो वी बाई थ्री वेलोसिटी से कम जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये पार्टिकल इधर और ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा. अब इसका एक सेकेंड पार्ट भी आता है उसमें ये इसको जैसे अपन इस वाले से बात करें तो ये पार्टिकल बिल्कुल यहां से ना स्ट्राइक होके नीचे इस वाले डायरेक्शन से स्ट्राइक होता है. तो आई थिंक वो अपन बच्चों के लिए छोड़ दें, कुछ स्टूडेंट्स भी करें तो वो आपके लिए क्वेश्चन है डियर. उसमें दो तीन चीजें सॉल्व होती है. एक तो ये कि इस वाले सिस्टम की इस वाले जो कंबाइंड मासेस की अटेंड मैक्सिमम हाइट क्या होगी और स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर टाइट हो जाएगी तो टाइट होने के बाद पार्टिकल्स की वेलोसिटी वेलोसिटी. चलिए सर बढ़ाएं बात को आगे. तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम बिलो इनटू अ बॉब ऑफ मास 450 ग्राम ऑफ अ लॉन्ग सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर. द बुलेट रिमेन्स इनसाइड द बॉब and the ball rises through a height 1.8 meter. Find the speed of the bullet. ठीक है, ये question बहुत simple है. एक bullet है, ये 50 gram का है, ठीक है, और ये जो ball है, ये 450 gram का है, ठीक है, ये इससे आकर के hit करेगा, और hit करने के बाद ये combined mass जो है ना, ये combined mass अब कितने का हो जाएगा? 500 gram का हो जाएगा, और ये 1.8 meter तक ऊपर जाता है, ठीक है, हमें बताना है कि इसकी velocity अगर हम लोग u माने तो इसकी velocity u कितनी होगी, ठीक है. थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है. जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो कंबाइंड मास जब कोलिजन के तुरंत बाद अगर हम लोग देखें तो तुरंत बाद जो 500 ग्राम का मास होगा उसकी वेलोसिटी अगर हम लोग v लें तो कितनी वेलोसिटी v होगी ताकि ये 1.8 मीटर तक जाएगा, ठीक है. तो इसके लिए हम लोग सिंपल जो है, क्योंकि देखिए कोलिजन के बाद जैसे ये ऊपर जाने लगा होगा रस्सी जो है वो स्लैग हो गई होगी, है ना, रस्सी स्लैग हो गई होगी तो टेंशन नहीं लग रहा होगा बिल्कुल. तो ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है. तो जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग v माने तो इस v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट अंडर रूट 2gh लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2 इनटू 10 इनटू 1.8 इनटू 1.8 तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, है ना, ये 6 मीटर पर सेकंड हो गया. अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है, अब हम लोग सिर्फ एनर्जी कंजर्व कर लें, ठीक है, मोमेंटम मोमेंटम कंजर्व कर लें, है ना. तो ये जो बॉल है, ये जो बुलेट है, बुलेट का मोमेंटम और ये जो कंबाइंड जो कोलिजन के बाद का मोमेंटम, इसको हम लोग कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में, सॉरी इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में और फाइनल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में, इनको हम लोग बराबर कर लें, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 50 u इज इक्वल टू 500 इंटू जो वेलोसिटी फाइनल आ रही है वो 6 के बराबर आ रही है, ठीक है. तो ये इसके साथ 10 टाइम्स कैंसिल हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो ये वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड आ गई. तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, बिल्कुल, ठीक है. चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को. क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें बोल रहा है दैट अ सर्कुलर बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल r / 2 इज कट फ्रॉम अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस कैपिटल r एट सोन. ओ इज द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ द सर्कुलर प्लेट. इफ मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट इज कैपिटल m, देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट. मतलब सिचुएशन कुछ इस टाइप की है कि अपने पास यहां पर एक डिस्क है जिसमें से हमने एक डिस्क और रिमूव कर दी जिसकी रेडियस r / 2 है और ये जो रिमेनिंग डिस्क रह गई इस रिमेनिंग डिस्क का मास इन्होंने बोला है कि कैपिटल M, इसकी रेडियस है अपने पास कैपिटल r / 2 और इसकी रेडियस है कैपिटल r और मेरे को इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो यदि मैं सोचूं कि मान लो मैं अपन इसको वापस से इसके ऊपर चिपका दे जो काटा हुआ पार्ट है उसको वापस इस पे स्टिक कर दे तो कंबाइंड सिस्टम का मास यदि अपन देखना चाहें कितना आएगा तो रिमेनिंग का मास जो है ये अपन मास डेंसिटी वाले तरीके से देखें तो रिमेनिंग के लिए ये लगा सकते हैं और कंबाइंड के लिए यदि मैं मास को m डैश कहूं देन m डैश अपॉन पाई कैपिटल r स्क्वायर तो यहां से m डैश की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज कमिंग एज 4m/3. मतलब आपके पास 4m/3 मास की कंप्लीट डिस्क है जिसमें से m/3 की आपने डिस्क रिमूव की है तो रिमेनिंग का कैपिटल m मास है इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो हमने कहा सर कंप्लीट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता वो होता 4m/3 इनटू में r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
दैट वैल्यू इज 2mr² / 3, मतलब कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होता। यदि मैं इसमें से रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दूं तो अपना रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो अपन रिमूव्ड की यदि बात करें, रिमूव्ड का सेंटर है यहां, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डिस्क का पेरिफेरी से क्रॉस करने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² / 2 + mr² = 3/2 mr², तो आई रिमूव्ड जो मेरे पास आ रहा है That is 3/2, रिमूव का मास है m/3 और साथ में उसकी रेडियस r/2, तो r² / 4। तो यहां से अपन यदि देखें तो ये वाला डाटा मेरे पास आ रहा है mr² / 8। तो जो रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I कंप्लीट माइनस I रिमूव्ड। तो ये डाटा आपके पास आ रहा है सर सोल्व करने पर, I रिमेनिंग इज इक्वल टू I कंप्लीट, दैट वैल्यू इज 2/3 mr² माइनस में दिस वैल्यू इज mr² / 8, सो दिस वैल्यू कम्स एज एलसीएम इज 24, दिस इज 16 माइनस 3 दैट इज 13 mr². तो जो रिमेनिंग डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अपने पास आ गया 13/24 mr². क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 7 आइडेंटिकल डिस्क आर अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न प्लेनर पैटर्न सो एज टू टच ईच नेबर एज So in a figure, each disc has a mass m and radius r. What is the moment of inertia of the system of 7 discs about an axis passing through the center of central disc and normal to the plane of all disc? तो essentially यहाँ क्या बोल रहे हैं? ये हमारे पास 7 disc है और ये जो हमारा pen है, इस pen को अगर हम axis माने तो इस axis के about हमें moment of inertia निकालना है। तो दो बात है। यदि मैं सबसे पहले जो है एक जो ये पेरिफेरी पे डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, ठीक है, और अगर इसके सेंटर ऑफ मास से देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 2r के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और यदि मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 बोलूं तो इसका भी i1 होगा, तो ये जितनी भी पेरिफेरी पे है सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग i1 निकाल लेते हैं। तो i1 की जो वैल्यू होगी, यहां पर हम लोग पैरेलल एक्सिस नियम लगा लें, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² / 2 प्लस 2r शिफ्ट हो रहे हैं m into 2r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mr² / 2 प्लस m into 2r का होल स्क्वायर। तो ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पेरिफेरी पे एक डिस्क का, पर ऐसे टोटल 6 डिस्क हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, ठीक है। इसके बाद जो ये सेंटर वाला डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत आसान है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग i2 बोले है ना, तो ये हो जाएगा mr² / 2। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखना चाहें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 6i1 है ना प्लस 6i1 प्लस i2, तो 6i1 प्लस i2 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55/2 into mr², ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है that a uniform disk of mass m and radius r and a point mass m are arranged as shown in the figure, find the acceleration of the point mass ka acceleration batlana hai, assume there is no slipping between the pulley and the thread and the disk can rotate smoothly about a fixed horizontal axis passing through its center perpendicular to its plane, matlab question kuch is type ka hai ki yahan mere paas ek disk hai, yahan par ek string iske round wrap ki bhi, yahan par mere paas ek small m mass hai, यहां पर ये डिस्क जो है ये हिंज है, मास m है, रेडियस r है, तो मेरे को इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो इनके बीच कोई स्लिपिंग भी नहीं है, तो यदि मैं इस मास के FBD की बात करूं तो इस पर इधर फोर्स लगेगा mg, इधर टेंशन t, और लेट सपोज इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड a आता है, तो पहली इक्वेशन जो मेरे पास मास के रिगार्डिंग आ गई दैट इज mg - t = ma, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड की यदि अपन बात करें तो सेकंड वाले केस में इस ये जो डिस्क है इस डिस्क पर इस डायरेक्शन में टेंशन अप्लाई हो रहा होगा और इस टेंशन की वजह से ये डिस्क जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो इसका जो टॉर्क आएगा टेंशन का दैट विल बी टीआर, और उसको यदि मैं पुट करूं तो टॉर्क जो है उसकी वैल्यू आई अल्फा के इक्वल होती है, मतलब टीआर की वैल्यू जो है वो मेरे पास mr² / 2 × α की इक्वल आ रही है। अब अगला पॉइंट जो है मेरे को अल्फा और ए में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो सर इस वाले पॉइंट पर यदि मैं देखूं तो
स्ट्रिंग का वो जो पॉइंट जो डिस्क के साथ अटैच्ड है उसका एक्सीलरेशन होगा ए, और डिस्क का डिस्क के इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा अल्फा आर। अल्फा आर, और यदि उन दोनों के बीच में किसी टाइप की कोई स्लिपिंग नहीं है दैट मींस दिस ए इज इक्वल टू अल्फा आर होगा, तभी स्लिपिंग नहीं होगी। तो अल्फा के प्लेस पर अपन पुट कर सकते हैं ए बाय आर, सो टी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 इनटू में ए बाय आर, इनटू में ए बाय आर। एक आर तो ये सही हो गया, एक आर ये सही हो गया, तो टेंशन टी की वैल्यू मेरे पास आ रही है एम ए बाय 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से यदि इसको यहां रख के अपन सोल्व करते हैं तो इसका एक्सीलरेशन जो आता है दैट कम्स इज 2g बाय 3। बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टू पॉइंट्स ऑफ अ रॉड मूव्स विद वेलोसिटी 3v एंड 2v परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड इन द सेम डायरेक्शन, द सेपरेशन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक रॉड है ना, रॉड में किसी एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 3v दे रखी है, किसी दूसरे पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो v दे रखी है ना। तो ऐसा हो सकता है कि नीचे कहीं कोई पॉइंट होगा जिसके अबाउट है ना ये जो है ये एक्सिस रोटेशन होगा और इसके अबाउट ये रॉड जो है ये ऐसे करके रोटेशनल मोशन में होगी, है ना, प्योर रोटेशनल मोशन में हो सकती है ना। तो दिस कुड बी अ केस, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक दे रखा है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, r दे रखा है। यदि मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मान करके इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर लिखूं तो ओमेगा क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं v रिलेटिव डिवाइडेड बाय r, है ना। तो v रिलेटिव हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाय r, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है that a uniform thin rod of mass small m and length capital L is held horizontal by two vertical strings attached to the two ends. One of the string is cut. Find the angular acceleration soon after it is cut. मतलब situation कुछ ऐसी है कि ये अपने पास एक uniform rod है जिसको अपन ने दो strings से attached कर रखा है और जैसे ही अपन ने इसको cut किया ये किस angular acceleration से rotate करती है। तो हमने कहा जी इस टाइम पर ये स्ट्रिंग तो खत्म है, हटा दें इस स्ट्रिंग को, तो यहां से ये वाली स्ट्रिंग है नहीं, अब केवल यही वाली स्ट्रिंग। लेट सपोज इसमें टेंशन चेंज हो गया, T1 हो जाता है कुछ। अब इस पर एक तो फोर्स लगेगा Mg और एक इधर लग रहा है T1। तो इस पॉइंट के अबाउट यदि मैं बात करूं तो इस T1 का जो टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट दैट विल बी जीरो, और इस पॉइंट के अबाउट जो mg का टॉर्क होगा दैट विल बी mg l by 2। और वो जो टॉर्क है उसकी वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू अपने पास होती है i alpha के इक्वल, और इस पॉइंट के अबाउट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml square by 3। तो अपने पास mg l by 2 जो है दैट वैल्यू कम्स एज ml square by 3 into में alpha। इन्होंने अल्फा की वैल्यू अपने से पूछी है, दैट वैल्यू कम्स एज अल्फा इज इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसका इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी 3g बाय 2। 3g बाय 2। चलिए सर बढ़ाएं बात को आगे। पहले क्वेश्चन करते हैं, अगला बहुत शानदार अल्टीमेट सॉल्यूशन है सर। देखिए अ रोटेटिंग डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज ब्रॉट टू रेस्ट ऑन इट्स फ्लैट सरफेस which has a coefficient of kinetic friction with floor as mu. If it has a pure rotation about its central axis oriented vertically, find the magnitude of angular acceleration. ये question कुछ इस तरह से है ना, पहले question समझने की कोशिश करते हैं। एक disk है जिसको हम लोग कहाँ रखे हैं, एक horizontal surface पर रखे हैं, ये horizontal surface है ना, तो हमने disk को जो है हमने disk को इसके ऊपर रखा है और डिस्क इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरह से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके ऊपर फ्रिक्शन भी है, तो अगर इस डिस्क को रोटेट करके अगर एक फ्रिक्शन वाले सरफेस पे छोड़ देंगे तो ये अल्टीमेटली रुक जाएगी, है ना। तो जब ये स्लो डाउन हो रही होगी तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन हमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, मे बी नेक्स्ट पेज इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा डिस्क है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, और यहां से है ना, यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पे जाकर के है ना एक
छोटा सा dr विड्थ का डिस्का एक पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो dr विड्थ का जो ये जो रिंग बन रहा है, इस रिंग पे अगर हम लोग फोर्स देखेंगे तो एक तो इसके ऊपर mg लगेगा, इसका खुद का मास, दैट इज dm / g, ठीक है, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये ऑब्वियसली dm / g के बराबर, बिल्कुल। और ये जब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, अगर ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो इसके अगर किसी भी पॉइंट पर देखें तो इस पर देखेंगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर देखेंगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर देखेंगे इस पॉइंट कोई पॉइंट पर देखेंगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। इसी अगर हम लोग देखें ना, तो इन सारे जगह पर जो है इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है। और मे बी मतलब हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो मे बी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा अगर हम लोग यहाँ पर एक पार्ट देखें, ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम लोग कहें कि ये वाला फ्रिक्शन अगर df है, है ना, ये वाला फ्रिक्शन अगर df है, और इसको अगर हम लोग इस पूरे पर देखेंगे, है ना, तो इस पॉइंट का इसका फ्रिक्शन, इसका अगर हम लोग टॉर्क देखेंगे तो क्या हो जाएगा, df into ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस इस पॉइंट पे फ्रिक्शन into ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये सारे एक ही डायरेक्शन में होगा और ये सब मिला के ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसेंशियली अगर मैं इस पर अगर टोटल टॉर्क अगर देखूं तो मैं बोलूंगा कि इस सारे छोटे 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 फ्रिक्शन का जो मतलब स्केलर सम, इस सारे फ्रिक्शन का स्केलर सम मल्टीप्लाइड बाय, है ना, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट विल बी द रेडियस, दैट विल बी द रेडियस, जो रेडियस है वो हमें क्या देगा, वो हमें टॉर्क देगा, टॉर्क देगा, ठीक है। तो अगर यहां पर अगर हम फ्रिक्शन लिखना चाहें, फ्रिक्शन का स्केलर सम अगर हम लोग लिखना चाहें df, ठीक है, तो फ्रिक्शन यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं, μmg लिखते हैं, μmg, यहां पर हम लिख लेंगे μ into dm into g, ठीक है। और अगर हम लोग लिखना चाहे टॉर्क d tau, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r जो सेंटर से है into फ्रिक्शन, into फ्रिक्शन हो जाएगा μ into dm into g into g, ठीक है। तो ये हो जाएगा d tau is equal to r μ g into dm, है ना, dm मैं डायरेक्टली लिखता हूं, है ना, कई बार जो है हमने ये किया होगा आपने, तो ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, इनटू ये जो हमने शेडेड एरिया लिखा है इसका मास का, इसका एरिया लिखेंगे, तो ये एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इनटू dr। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल गया, ऐसा करने से हमें टॉर्क मिल गया, कितने से एरिया पर, इतने से एरिया पर टॉर्क मिल गया। अब हमें टोटल टॉर्क चाहिए तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, पाई कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू जी कैपिटल एम एम टू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली लिख देते हैं, लिमिट लगानी जीरो टू कैपिटल आर, है ना, हाँ। तो ये इंटीग्रेशन में जो है ये हो जाएगा आर क्यूब बाय थ्री, और इसको हम लोग जीरो से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं यही कर देता हूं, अगर इस टॉर्क को अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करते हैं तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू जी टू म्यू एम एम जी टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू इंटू आर क्यूब बाई थ्री, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर यहां पर लिखना है तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय टू, तो ये आर क्यूब यहां से कट के एक आर कट जाएगा, एक एम और एक एम कट जाएगा, तो ये जो अल्फा की वैल्यू होगी ये हो जाएगी फोर म्यू जी, है ना, डिवाइडेड बाय थ्री आर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, find the moment of inertia about x-axis of uniform thin plate of density rho as shown in the figure. मतलब ये एक thin plate जिसका moment of inertia x-axis के about calculate करके बतलाना है। तो यदि अपन इसके लिए सोचें, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे ये एक road है, फिर next road है, फिर next road है, फिर next road है, मतलब increasing length की road, जिनकी length जो है वो parabola के along increase हो रही है, यदि उनको एक साथ combine करके रख दें तो इस type की plate का formation अपने पास हो जाएगा। तो मैं एक simple सा कि यहां से x डिस्टेंस पर एक रोड देखता हूं जिसकी लेंथ ऊपर y है, नीचे भी y है, तो इस रोड की जो टोटल लेंथ मेरे पास आ रही है
दैट इज कमिंग एज 2y, और यदि इसकी थिकनेस को मैं dx ले लूं तो इसका एरिया जो मेरे पास आ रहा है दैट इज 2y into dx, ये इसका एरिया हो गया। तो इसके मास की यदि मैं बात करता हूं, रोड का मास दैट इज सिग्मा dA, दैट वैल्यू इज 2 सिग्मा, और y के प्लेस पर अपन पुट कर सकते हैं x स्क्वायर dx, y इज इक्वल टू x स्क्वायर गिवन। ये तो इस रोड का मास हो गया। अब रोड की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर / 12। तो यदि मैं di की बात करूं सर, तो di जो मेरे पास आ रहा है m दैट इज dm, लेंथ रोड की जो लेंथ दैट इज 2y, दैट वैल्यू इज 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अब यदि अपन dm की वैल्यू पुट कर दें, दैट वैल्यू इज 2 सिग्मा x स्क्वायर dx इनटू में 4 y स्क्वायर के प्लेस पर x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। तो यहां से ये तो 8 है, ये 12 है, तो ऊपर 2/3 आ गया। तो di की वैल्यू मेरे पास आ गई ट्वाइस सिग्मा x रेज टू द पावर 6 dx डिवाइडेड बाय 3। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इंटीग्रेशन, जहां पर x कोऑर्डिनेट अपना 0 से a तक इंक्रीज हो रहा है, दैट वैल्यू कंसिस्ट्स ट्वाइस सिग्मा अपॉन 3 x की पावर 7 अपॉन 7 दैट इज a रेज टू द पावर 7 अपॉन 7। सो दिस डाटा कम्स एज 2 सिग्मा a रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 21। इसमें शायद मास डेंसिटी सिग्मा के प्लेस पर इन्होंने रो काम में ली, तो आंसर विल बी 2 रो a रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 21। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना सर, ये जो एलिमेंट का एरिया ना, ये वाला बहुत आसान पड़ता है। पिछले वाले में यदि मैं एक ट्रिक बतलाना चाहूं ना, जैसे वो जो r रेडियस वाली तो dr थिकनेस, तो अपन उस डिस्क को यदि काट के फैला दें, काटो बीच से और फैला दो, जैसे ही फैलाया डिस्क की लेंथ होगी 2πr और डिस्क की थिकनेस है, वो जो रिंग का अपन ने एलिमेंट लिया था तो उसका एरिया अपने पास आ गया 2πr into dr। एक तो ये, एक अपन इसमें जब होलो सेल लेते हैं और उस सेल का वॉल्यूम अपने को जब dv कंसीडर करना होता है, तो एक मतलब इसमें एक सिंपल सी ट्रिक से करते हैं कि भाई इसका एरिया देख लो कितना है, मतलब 4πr स्क्वायर है और मल्टीप्लाइड विद थिकनेस कर दो, थिकनेस इसकी dr है, तो सेल का जब वॉल्यूम लेना होता है दैट विल बी 4πr स्क्वायर इनटू dr। ये तीन टाइप के जनरली अपन एलिमेंट लेते हैं, तो इनका मास मतलब एरिया कैलकुलेट करना बहुत इजी सा तरीका है। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन द पुली सिस्टम if the radii of the bigger and the smaller pulley are 2 meter and 1 meter respectively and the acceleration of block A is 5 meter per second square downward, na iska jo acceleration hai wo 5 hai downward direction mein, theek hai, find the acceleration of block B, hai na, to ye block B jo hai ye definitely upar ja raha hoga, iska acceleration hum log A maan lete hain, and it is very simple, agar yahan par koi slipping nahi ho rahi hai to is point ka jo acceleration hoga ye bhi downward direction mein 5 hoga, और इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में a के बराबर होगा, ठीक है। और क्योंकि ये डिस्क जो है ये रिजिड बॉडी है, तो इसकी एंगुलर, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो हर पॉइंट का सेम होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना चाहे, अगर हम इस पॉइंट से लिखना चाहे तो अल्फा जो होगा वो a/r के बराबर होगा, इट इज 5/2 के बराबर होगा, और अगर हम यहां से लिखना चाहे तो ये a/1 के बराबर होगा, है ना, a डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो यहां से जो a आ जाएगा ये आ जाएगा 5/2, तो b का जो एक्सेलरेशन है वो 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करें, चलिए अगले में बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला था ना यूनिफॉर्म रोड ab इज हिंज्ड एट एंड a इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन द फिगर, द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक थ्रू अ मासलेस स्ट्रिंग एज शोन, the pulley is smooth and massless, masses of the block at the road are same and equal to small m, find the acceleration of the block just after the release from this position, matlab situation kuch is type ki hai ki yahan par mere paas ek road hai wo yahan hinged hai, ye ek pulley se connected mere paas mass hai, iska mass apne paas small m hai, iska mass small m and length small n hai, aur apne ko calculate karna hai छोड़ने के ठीक बाद ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन। तो मैंने कहा मान लो लेट सपोज इसमें टेंशन T है, तो इधर भी टेंशन T, सेम स्ट्रिंग, इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट वर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और मैंने यदि इसके एक्सेलरेशन को a कहा, यदि मैं इसके एक्सेलरेशन को a कहता हूं तो इस रोड के इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन भी a ही होगा, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूं कि mg - t = ma, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यदि मैं इसके लिए लिखना चाहूं
तो लेट सपोज जैसे ये नीचे जाएगा तो ये रोड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, तो मैंने कहा लेट सपोज वो जो एंगुलर एक्सीलरेशन दैट विल बी अल्फा, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा अल्फा एल, तो अल्फा एल जो मेरे पास आना है दैट इज इक्वल टू ए। और अब मैं इस पॉइंट के अबाउट यदि इस पर टॉर्क देखना चाहूं तो एक तो टेंशन का टॉर्क होगा और एक इस पर mg का टॉर्क होगा। टेंशन का टॉर्क जो होगा दैट विल बी वर्टिकल इस डायरेक्शन r क्रॉस f से, और mg का जो टॉर्क होगा वो अपोजिट होगा। मतलब टेंशन तो रोटेशन के सपोर्टिंग में और mg अपोजिंग में, तो टेंशन का टॉर्क TL और mg का टॉर्क mgl / 2 दैट वैल्यू इज i अल्फा। तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट ml² / 3 एंड अल्फा के प्लेस पर अपन पुट कर सकते हैं, तो ये सही हो गया, एक एल ये सही हो गया, तो टी माइनस एम जी बाई टू जो मेरे पास आ रहा है दैट वैल्यू इज कमिंग एज एम ए स्क्वायर बाई एम ए बाई थ्री, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। यदि अपन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें 1 + 2 तो दिस इज एम जी माइनस एम जी बाई टू दैट इज एम जी बाई टू, और इधर अपने पास आ गया एम ए प्लस एम ए बाई थ्री दैट वैल्यू इज 4 ma/3 एंड द एक्सीलरेशन कम्स एज 3g डिवाइडेड बाय 4 / 2 = 8 ए बोल सॉरी एक्सीलरेशन अपने पास आ गया 3g डिवाइडेड बाई सॉरी ए तो आएगा नहीं ना सर 3g आएगा 3g / 8 आएगा 3g / 8 सो द एक्सीलरेशन विल बी इन द सिचुएशन द एक्सीलरेशन इज 3g / 8 और अपने को यही कैलकुलेट करना है कि जस्ट छोड़ने के ठीक बाद इस ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, सो दैट आंसर इज 3g / 8। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत शानदार अल्टीमेट सा क्वेश्चन है। देखिए At what height from the base of a vertical pillar, a string of length 6 meter be tied so that a man sitting on the ground and pulling other end of the string has to apply minimum force to overturn the pillar? ठीक है, तो question कुछ इस तरह का है, ये हमारे पास एक pillar है, है ना? अब ये pillar जो है ना, ये obviously थोड़ा सा ground के अंदर होगा, ठीक है? तो यहाँ तक अगर हम लोग ground बनाएं, ये pillar है, तो पिलर के किसी हाइट पर यहां से जो है एक रस्सी बांध करके यहाँ एक आदमी है ये खड़ा है, और ये जो स्ट्रिंग है ये 6 meter की दे रखी है, ठीक है? यहां से हम लोग एक फोर्स लगाते हैं और मे बी हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा दे रहा है, ठीक है? ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, और इस रस्सी पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो एफ के बराबर लगा रहे हैं, ठीक है? इस एफ का एक कॉम्पोनेंट इधर ले लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एफ cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा f sin थीटा। अब देखिए, अब यदि ये इस पॉइंट से अगर ये ओवरटर्न होता है, है ना, तो जो अंदर की जो मिट्टी होगी ये इस पर इस डायरेक्शन से कुछ फोर्सेस लगा रही होगी, और इन सारे फोर्सेस का, ये सारे फोर्सेस जो भी है वो फिक्स है, है ना? इफ एट ऑल अगर हम लोग इस पॉइंट को ऊपर या नीचे भी करते हैं तो ये फोर्सेस चेंज नहीं होने वाले हैं, ये फोर्सेस चेंज नहीं होने वाले हैं। एसेंशियली मैं यहां पर कह सकता हूं कि इन सब का इफेक्टिव टॉर्क कुछ होगा, है ना, और जो कि कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है? ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क देखें, है ना, तो दो टॉर्क होगा, एक ये वाला टॉर्क होगा जो कि जो अंदर की मिट्टी लगा रही है, और एक ये वाला फोर्स F होगा, F cos थीटा, इसका ही टॉर्क होगा, F sin थीटा का टॉर्क तो इस पॉइंट के अबाउट 0 ही हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम लोग टोटल अगर हम लोग टॉर्क देखें, है ना, टोटल अगर हम लोग टॉर्क देखें तो ये टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा टोटल टॉर्क tau माइनस यहां पर हम लोग लिखेंगे F F cos थीटा into लेट्स सी ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लोग h बोल देते हैं, ठीक है? ठीक है, ये हो जाएगा F cos थीटा into h, और ये जो है ना ये मे बी कह सकते हैं कि ये 0 के बराबर हो जाए, है ना, जस्ट टू गेट एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, है ना? तो इस समय में जो है इससे स्लाइटली ज्यादा अगर फोर्स एफ हो जाएगा तो ये ओवरटर्न हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला फाइंड कर लिए, तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू ये आ जाएगा एफ इन टू, अब यहां से देखते हैं, यहां से लिखेंगे एफ इन टू cos थीटा अगर हम लोग लिखें, है ना, ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग x लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा x divided by 6, ठीक है? ठीक है, into अगर हम लोग यहां से h की वैल्यू लिखना चाहें तो h को हम लोग यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 6² - x², ठीक है? तो ये हो जाएगा 36 - x², ठीक है? तो यहां से हो जाएगा टॉर्क tau इज इक्वल टू ये हो जाएगा fx
सॉरी इसको लिख लेते हैं f डिवाइडेड बाय 6 और इसको लिख लेते हैं रूट में 36x² माइनस x टू द पावर 4। चलिए हमें इस फोर्स की वैल्यू को मिनिमम करना है तो हम यहां से फोर्स f लिख लेते हैं। तो फोर्स f कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 tau डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा अंडर रूट में 36x² माइनस x की पावर 4 माइनस x टू द पावर 4, है ना। ये फोर्स की वैल्यू हो गई। सर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर हमें फोर्स को मिनिमम करना है तो हम यहां पर df डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू को जीरो कर लेंगे, है ना। तो df डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू को जीरो करने के लिए मैं भी इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं। f इज इक्वल टू 6 tau इनटू 36x² माइनस x टू द पावर 4 की पावर -1/2। इसको ऐसा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 tau इनटू -1/2 इनटू 36x² माइनस x टू द पावर 4 की पावर -3/2 और एक आ जाएगा -1/2, ठीक है। प्लस इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 72x -4x³, ठीक है। और इसको बराबर कर देंगे जीरो के, है ना। ये वाला सारा टर्म तो जीरो होगा नहीं, तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करके देखें बेसिकली इस वाले टर्म को अगर हम लोग जीरो करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो रूट 18 आ जाएगी, ठीक है। थ्री रूट x की वैल्यू अगर रूट 18 आ गई तो यहां पर सॉल्व करके देखेंगे तो h की वैल्यू भी जो है वो रूट 18 आ जाएगी, ठीक है। तो h की वैल्यू जो है ये भी सॉल्व करके रूट 18 आ जाएगी, तो बेसिकली ये 3 root 2 meter हो जाएगा। इस कंडीशन में वो मिनिमम फोर्स लगा सकता है, मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक सर, ओके डियर। तो आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें अपन रोटेशनल मोशन का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके डियर, गुड बाय।